जय जय राम जय श्री राम जय हो बागेश्वर धाम सरकार जय हो हनुमान जी महाराज मेरे प्यारे सभी दर्शकों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कथा में सुनाऊंगा कि अकेत क्या होता है कि जब उस गांव के सभी के सभी लोग एक, -एक करके बंदर बनते जाते हैं फिर ऐसा बागेश्वर भक्त ने ऐसा क्या जादू किया कि फिर उनके साथ चमत्कार ही चमत्कार हो गया ये बहुत ही पुरानी बात है कि एक बार की बात है कि एक गाँव में बहुत ही हिष्ट पुष्ट लोग रहते थे उस गांव के जितने भी लोग थे कभी किसी प्रकार के उनको कोई कष्ट नहीं आता था वे सारे के सारे मुस्लिम थे वे भगवान को नहीं मानते थे बस वह एक कमरे में जाते थे और बस एक साथ यूं ही पूछते थे पता नहीं किसके आगे वे नतमस्तक होते थे लेकिन वे भगवान को नहीं मानते थे मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध करते थे बल्कि इसका मानते ही नहीं थे कि हाँ ये सब चीजें कोई होती है सब पाखंड है ऐसा भी सब लोग कहते थे लेकिन उसी के बगल के गांव में एक हनुमान जी का भक्त भी वहां पर रहता था चूंकि वह भगवान की भक्ति में हमेशा रहता था लेकिन वह कभी किसी को किसी प्रकार के कोई नुकसान क्षति नहीं पहुंचाते तो वहीं पर इस गांव के लोग हिष्ट पुष्ट मजबूत भी थे ताकतवर थे और इन लोगों को अपने जो पास था उनका बहुत ही घमंड था अपने बल पर जो काफी गर्व था वे किसी को भी मार करके जानवरों की हत्या कर देते थे मीट मांस खाते थे लेकिन ये जो काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता रहा वे लोग एक कमरे में जाते थे और वहां पर किसी के आगे सचता करते थे लेकिन दूसरों की जान दूसरों की हत्या कर करके वह अपना पेट अपना रोजी रोटी चलाते थे लेकिन ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता रहा और ही दिनों के बाद ऐसा गजब का कारनामा उस गांव में होने लगा कि वहाँ के जितने भी मुस्लिम थे बिल्कुल ही उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पर जो है धीरे धीरे कुछ बच्चे जो आदमी जैसे थे बिल्कुल ही उनका जो चेहरा है बंदर जैसा बदलने लगा पूरा का पूरा शरीर आदमी जैसा और फिर जो है मुख जो है बंदर जैसा होने लगा दिन पर दिन जो है यह एक प्रकार की संक्रमण बीमारी उस गांव वालों में फैल गई और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उस गांव के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक महिलाओं तक के भी साथ ऐसा हो गया उस गांव के सभी के सभी लोगों का शरीर आदमी जैसा और मुख जो है बंदर जैसा हो गया बस अपने उसी कमरे में जाते सारे के सारे लोग और वहां पर हाथ फैला करके सजदा करते लेकिन कुछ भी उनका फायदा नहीं मिलता उसमें से एक जो है बहुत ही होशियार एक ऐसा युवक था कि जो इस भगवान को मानता था और उसमें काफी श्रेष्ठ था उस मुस्लिम लोगों में उसने कहा कि हम लोगों का कल्याण एक भक्त है जो बहुत बड़ा सनातन धर्म को मानने वाला है बगल के ही गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का वहां पर वह पूजा करता है जिस दिन उसकी भगवान उसके हनुमान जी उसके प्रभु की कृपा लगेगी उस दिन यहां पर गांव में हम लोगों के आएगा और बस उसी दिन हम लोगों का सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे चूंकि ये लोग हालत इतनी खराब हो गए थे कि वे लोग मानने पर मजबूर हो गए थे कि किसी तरीके से जो हम लोगों का ये बदन है जो चेहरा है बिल्कुल बंदर जैसा होता जा रहा है आखिर किसी भी तरीके से ठीक हो जाए तो गांव वालों ने पूछा आखिर वो आएगा कब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि वह कब आएगा लेकिन जब उसके प्रभु की कृपा लगेगी जब उसके दरबार में अर्जी लगेगी तो वह अवश्य घूमता फिरता जो यहाँ पर आ जरूर आएगा और बस जब वह आएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कुछ वहां पर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे ऐसे करते करते वह गांव वाले काफी इंतजार में रहते हैं कि वह कभी तो आएगा आठ साल दस साल बीत गए कुछ लोग तो बूढ़े होकर के मर भी गए लेकिन उन लोगों का जो आने वाला बच्चा था बच्चा भी वैसा ही पैदा हो रहा था यह इतनी जबरदस्त जो वह संक्रमण उस गांव में चली गई थी और कुछ दिन तक यही काम चलता रहा बेचारे वह हमेशा वही सजदा करते लेकिन उन लोगों का कोई खाक का ना कुछ फर्क पड़ता कुछ नहीं चेंजिंग होता कोई बीमारी में एक परसेंट भी सुधार नहीं अगला आने वाली पीढ़ी बंदर पर की ही दिख रही थी मुख जो है चेहरा जो है बंदर जैसा शरीर जो है आदमी जैसा नर पशु जैसा महसूस हो रहे थे उन लोगों को जो अपने बल पर घमंड था बिल्कुल ही वह घमंड धीरे धीरे चूर होता जाता वह गांव जो पहले बहुत ही समृद्ध था उस गांव में हर चीज की बड़ी भरपूर मात्रा में थी खाने से लेकर के सब कुछ ए टू जेड लेकिन अब दिन पर दिन उस गांव की जो स्थिति जी बदतर होती जा रही थी काफी दिन गुजर गए और बहुत ही दिन गुजरने के बाद उस गांव में एक मदारी वाला आता है एक मदारी वाला एक बंदर को लेकर उस गांव में आता है और जब वह मदारी वाला उस गांव के लोगों को देखता है कि इस गांव के लोग तो बहुत ही अजीब हैं, चेहरा बंदर जैसा और बाकी बदन जो आदमी जैसा ऐसा कैसे हो सकता है तो मदारी वाला एक जो है आदमी को बुला करके पूछता रे भाई ऐसा जो है काम आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ तो उन लोगों ने कहा कि पता नहीं बहुत पुरानी समय से लगभग लंबे से दिनों से हम लोग पहले बहुत ही स्वस्थ रहते थे लेकिन अचानक कुछ ही दिनों में एक ऐसी संक्रमण बीमारी आती है और हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि सबके बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक एक करके एक एक करके चेहरा जो बंदर जैसा पूरा शरीर आदमी जैसा हम लोगों को अपने अपने जीने पर भी तरस आता है हम लोग सोचते हैं कि अब अगली पीढ़ी सही होगी अब अगली पीढ़ी सही होगी लेकिन यह तो पीढ़ी नाम सही होने का नाम नहीं ले रही है। उस आदमी ने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ए, ठीक कैसे होगा क्या आप लोगों को सुझाव नहीं है तो गांव वालों ने कहा कि नहीं हम लोगों के जो मौलाना साहब थे उन्होंने कहा था कि बगल के गांव में एक जो है हनुमान जी का भक्त बागेश्वर भक्त रहता है वह जिस दिन उसके प्रभु की अर्जी लगेगी उसके प्रभु की कृपा होगी तो वह इस गांव में आएगा और जब उसकी दया होगी उसके प्रभु की कृपा लगेगी तो एक एक करके हम लोगों का सारे के सारे जो है दुख दर्द खत्म हो जाएंगे लेकिन जैसे ही हम लोग जब बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे बिल्कुल हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हम लोग उसकी कभी भगवान को कभी उसके प्रभु को मार नहीं सकते बल्कि उसको मार देंगे वहीं पर बस हम लोग एक बार ठीक हो जाना दे हम लोग कैसे मान सकते हैं उसके प्रभु को हम लोगों का तो दूसरा है हम लोगों का धर्म दूसरा है हम उसके प्रभु को कैसे मान सकते हैं उसके भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं कभी नहीं संभव है उस मदारी वाला ने कहा कि आप लोग उसे ऐसे मार देंगे तो तब तो इसी वजह से हो सके उसके, उसके प्रभु को ऐसी मन की भावना भी उसके पास पहुंच जाती होगी इस वजह से वो नहीं आता होगा उसने कहा क्या, क्या मौलाना साहब कोई पहचान बता करके नहीं गए कि वह आएगा तो किस तरीके से आएगा किस वेशभूषा में आएगा तो कहा नहीं नहीं मौलाना साहब ने कुछ बताया था कि चूंकि वो तो साधु है भगवान का भक्त है तो साधु के बेस में ही रहेगा लेकिन जब वो आएगा तो जो गांव का सबसे छोटा बच्चा रहेगा उसका जो मुख जो है बंदर जैसा नहीं बल्कि इंसानों जैसा हो जाएगा एक सुंदर सा मुखड़ा हो जाएगा वह वा मदारी वाला भी सब बातें कर ही रहा था तब तक जो उस गांव की एक महिला का जो बच्चा था उसका मुख जो है बिल्कुल ही इंसानों जैसा सकल हो गया वह भगी भगी दौड़ती दौड़ती चिल्लाती हुई आती अरे भाई मेरे बच्चे का मुख जो सही हो गया सही शरीर हो गया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और यह देख करके गांव वालों में खुशहाली आ जाती है लेकिन तभी समझ नहीं पाते आखिर ऐसा कैसे हो सकता है तो मदारी वाला कहता है कि जरा अगर वो आते हैं तो हमें भी जरूर मिलवाना उधर जब एक लड़के का मुख सही भी हो जाता है उसके बावजूद भी उस गांव का कहा आखिर वह साधु आया था और आकर के कब चला गया हम लोगों को दिखाई भी नहीं दिया पता भी नहीं चला अरे हम लोगों को भी तो बना दिया होता तब तो उसके साथ जो करना होता करते ही सब जो है मदारी वाला सुन रहा था कहता है गांव वालों से भाई जब वो कभी मौका मिले कभी उनसे मिलने का तो हमें भी ज़रूर मिलवाना तो कहता है ठीक है हम बंदर को तब लेके फिर से अपने घर को चलते हैं तो उस गांव वालों ने कहा अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो अरे हम लोगों के इस इंसानी की बस्ती में जो हम लोग नरपसु बन गए कम से कम एक इंसान तो रहेगा उसको देख देख के हम लोगों का जी तो अच्छा रहेगा शांति रहेगा तो मत जाओ यहीं पर एक झोपड़ी बना लो हम लोग बनवा देते हैं लेकिन तुम अपने बंदर का नाच यहीं पर दिखाना यहीं पर रोजी रोटी तुम्हारी रहेगी गांव वालों ने उस मदारी वाले को जाने नहीं दिया और एक झोपड़ी बनाई और बंदर लेकर के वह मदारी वाला वहां पर रहने लगा फिर अगले दिन जो है वह मदारी वाला बंदर की नाच दिखाता जब बंदर की नाच दिखाता तो छोटे 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 बच्चे चारों तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वह नाच दिखाता धीरे धीरे एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जैसे जैसे बच्चों का जो प्रेम है उस मदारी वाले से बढ़ता गया वैसे वैसे उन बच्चों का मुख जो है धीरे धीरे सही होता गया फिर एक बुजुर्ग इंसान आते कहते कि देखो भाई तुम्हारी जो बातें हैं बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही मन भावक लगती है मुझे मन नहीं करता तुम्हारे पास से जाने के लिए तुम वास्तव में बहुत प्रिय हो और ऐसा करते करते धीरे धीरे वहाँ के जो गांव के बच्चे थे उनका मुख जो बिल्कुल ही सही हो गया लेकिन वहाँ के जो बुजुर्ग थे जो बड़े लोग थे उन लोगों का मुख बिल्कुल ही नहीं सुहा तब भी उन गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति वह साधु चुपके से आ रहा है और सही करके चल जा रहा है लेकिन ऐसा गांव वालों को पता नहीं था कि आखिर ऐसा सही कैसे हो रहा है फिर हुआ क्या एक दिन की बात है कि वह मदारी वाला अपने घर में से अपने झोपड़ी में से बाहर नहीं निकलता है जब झोपड़ी में से बाहर नहीं निकलता है तो गांव के बच्चों ने वहां पर जाकर के घेर लिया अरे बाबा निकलिए निकलिए उस मदारी वाले को बुला रहे थे लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे लेकिन बच्चों की भीड़ दे कर के बड़े भी लोग वहां पर आ जाते उस गांव के लोग भी आ जाते और कहते क्या हुआ तो गाँव वाले कह भाई मदारी वाले आज बंदर लेकर के नहीं निकल रहे हैं तो गांव वालों ने भी काफी कोशिश की लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती कोई फिर गांव वालों ने क्या झोपड़ी को एक झरोखा बना करके देखा अंदर है भी कि नहीं है लेकिन जब गांव वालों ने अंदर देखा तो बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं उन्होंने क्या गजब का नजारा देखता है उन्होंने देखा कि अंदर जो एक मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति में से काफी तेज निकल रही है और उसके सामने वह वा मदारी वाला एक शुद्ध पीला गिरुआ वस्त्र पहने हुए धारण के हुए भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उस मूर्ति से इतना तेज निकल रहा है कि उस तेज को गांव वाले सहन नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल ही वो सहन करने में बिल्कुल ही कैपेबल ही नहीं है उनकी क्षमता ही नहीं है और अचानक ऐसा चमत्कार होता है कि जिस घर में जाकर के वे लोग सजदा करते थे अचानक वो रोशनी इतनी तेज बढ़ती है कि वह घर जो बिल्कुल टूट जाता है और उस रोशनी के आगे जितने गांव वाले आते हैं सारे के सारे गांव वाले सही हो जाते हैं फिर वह झोपड़ी ऑटोमेटिक ऐसे पूरा खुल जाती है और वहां पर एक हनुमान जी का विग्रह दिखता है उसके आगे वह भक्त जो है भक्ति भाव करता रहता है उस भक्त के आगे जो है सभी गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं आपको पहचान नहीं सका मैं तो बस आपको एक मदारी वाला समझता था और मैं आपको मारना चाहता था हम हमेशा इस मूर्ति को हमेशा पाखंडी समझते थे लेकिन आज भगवान मैं मान गया वास्तव इस में इसमें शक्ति है अब हम लोग अपने इस धर्म को अपने ऐसी पूजा नहीं करेंगे बस आपका एक विग्रह यहां पर स्थापित होगा और इस गांव के सभी लोग सच्चे दिल से भक्ति भाव करेंगे तब उस भक्त ने कहा ये है मेरे प्रभु की लीला आप लोग उस प्रभु के उस भगवान के भक्त को अर्थात मुझे मारना चाह रहे थे फिर हमने अचानक अपने प्रभु के द्वारा ऐसा काम नहीं कराया धीरे धीरे करके कराया ताकि आप लोगों का माइंड जो आपका बुद्धि जो धीरे धीरे बदल सके और फिर आप लोग इस सम्मान ही गए हम तो पहले ही चाहते थे कि आप लोग सही रास्ते पे आ जाए लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें मानने के लिए तैयार ही नहीं थे आप लोग भगवान के भक्त बन जाइए आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता मेरे प्रभु तभी प्रसन्न होते जब कि भी कभी किसी दूसरे प्राणी को कष्ट मत दो कभी किसी दूसरे प्राणी को मारो मत नुकसान मत पहुंचाओ। सच्चे दिल से उनकी भक्ति भाव करते हो उनकी आराधना करते हो तो कोई तुम्हें बीमारी कोई तुम्हें भूत प्रेत कोई सी बीमारी भी तुम्हें छू नहीं सकती क्योंकि जिसके सर पर जो हमारे प्रभु का हाथ होता है हमारे भगवान जी का हाथ होता है उसके कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता और इस तरीके से उस गाँव के पूरे के पूरे जो मुस्लिम थे सनातनी हो जाते हैं हनुमान जी महाराज के भक्त हो जाते हैं उस गांव में एक हनुमान जी का महान विशाल मंदिर भी बनता है उस गांव के लोग सच्चे दिलों से पूरे भक्ति भाव से अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं आराधना करते हैं और उस गांव का इस तरीके से धीरे धीरे कल्याण हो जाता है और फिर उस गांव में वैसे ही पहले जैसे खुशियाँ थी खुशहाली थी बिल्कुल ही हो जाती लेकिन बस अब उस गांव में जो किसी पर अत्याचार नहीं किसी जानवरों पर कोई कष्ट नहीं किसी जानवर को मारना नहीं सब बंद हो गया क्योंकि वे लोग तो भगवान के के सारे भक्त बन जाते हैं और इस तरीके से इतना बड़ा जो है हमारे इस भगवान में सच्ची श्रद्धा होती है शक्ति होती है जो लोग मानते हैं तो उनके ऊपर प्रभु तो बहुत कुछ दिखा देते हैं लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनकी बेड़ा पार कौन करेगा वो तो खुद ही जाने